जी फाइव डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री हमरे डैडू हमरे डैडू सच्ची हमरे दिल करता है कि हम सारा जिंदगी बस आपका ऐसे ही पाव दबाते रहे हमको ना बड़े बुजुर्गों का सेवा करने में बहुत आनंद आता है हाँ अंगूरी भैया हो जाइए चुपचाप हम डैडू का पैर दबा रहे हैं अरे डैडू डा, आए हैं पगली तूने हमें बताया ही प्रणाम डैडू ये का मजाक है ये डैडू है वो डैडू तो तीरथ पर गए ना बैंकॉक अब ये क्या हुआ जब डैडू तीरथ पर गए हैं बैंकॉक तो तुम ही क्या कर रही हो तकिए को डैडू बना के उसके पांव दबा रही हो कहां बताया आपको हमरे अंदर ना अचानक से पित्र प्रेम जाग गया भैया और बहुत ही तगड़ा वाला प्रेम हमरा मन कर रहा है कि हम अपने डैडू का बहुत ही सेवा करें इके लिए। अरे तो डैडू की सेवा करने के लिए डैडू का होना भी तो जरूरी है लेकिन वो तो बैंकॉक गए हैं तीरथ पे अब ये तो इसके लिए उनका मम्मी बनाकर सेवा तो कर रहे मम्मी नहीं मुर्दा बना रही हो डैडू को वो डमी होता डमी ऐसा ही पकड़े हैं इसके लिए उनका छवि बनाकर हम उनका सेवा कर रहे हैं अरे सेवा करनी है तो हमरी सेवा करो ना हम थके हुए हैं हमारे पाँव में एकदम हड़कल मचा हुआ है सारी उका है ना कि हमरा पित्र प्रेम जागा है पति प्रेम ना ही तो आप एक ठुकाम कीजिए सो जाइए हैवन नीच ट्रम नाइस ड्रीम होता पगली हाँ सही पकड़े हैं सोने हमने दो हमने डैडू को परेशान ना कीजिएगा सारी खरीद लाती पता नहीं आयन कैसे होगी ये कम टिकती नहीं है इसके ऊपर ये देखो ये देखो फेबू क्या है <laughs> क्या है व्हाट हैपेंड तुमने बात की किससे किस बारे में <laughs> तुम बात करने वाले थे ना अपने चाचा जी से कि वो यहां से चले जाए हाँ? मैंने बात की I, 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 I spoke to him, yes. बात की देखो <laughs> <laughs> अनु मैं साफ साफ तो बात ना कर पाया बिकॉज आई लव एम लॉट बट नो, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाह रहा था मतलब तुमने बात नहीं की? नहीं, नहीं sure छोटी तिवारी जी और वो पगल कूद पड़े <laughs> पूरी बात बताओ मैं समझी नहीं एक्चुअली क्या है मैं चाच को ना कहानी के जरिए अपनी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि वहां से निकल लें चले जाए कहानी कैसी कहानी एक्चुअली एक कहानी जंगल की कहानी मैंने सुनाई थी उनको कि एक गलेहरी थी जो कि बड़ी क्यूर बड़ी हार्ड वर्किंग बड़ी हॉट सी थी और जो गलेहरा था वो ई वॉज यूजलेस इन नो नला टाइप था वो बड़ा काम करता बट स्टिल नो दे वर टोटली इन टू एच अद नॉट टोटली मोस्टली ओके समटाइम्स इज आट ऑल राइट सो दोनों में बड़ा प्यार था बहुत बहुत खुश थे वो लोग और अचानक जो है ना ये जो गलेरा का जो चाचा है भालू वो आ गया

मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है एक काम नहीं कर पाए और अगर अगर तुमने चाचा जी से बात नहीं की तो तो मैं बात करूंगा। I will talk to अरे, भाई खुश रहिए खुश रहिए सक्सेना जी <laughs> कैसे मैं भाई माँ मैंने ना एक मक्खन से भी ज्यादा स्मूथ चलने वाली स्मूदी एम्बुलेंस लिए भाई माँ <laughs> आ, लोगों की सेवा करने के लिए भाई माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरह से पब्लिक की सेवा करता रहूँ सक्सेना जी मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है कि आप ऐसे ही पब्लिक की सेवा करते रहिए पर ध्यान रखिएगा ये जरा सेंसिटिव मामला है आपकी एक पागलपंथी से ना किसी इंसान की जान भी जा सकती है भाई माँ आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मैं किसी भी मरीज़ को नुकसान होने नहीं दूंगा भाई माँ और जहाँ तक पागलपंथी का सवाल है तो लोगों को आती नहीं और मेरी जाती नहीं <laughs> क्यों भाई माँ आप थोड़ी उदास उदास लग रही है मुझे हाँ सक्सेना जी मेरी तो नसीब में ही उदासी है भाई माँ आपका ये टाइगर बेटा अभी जिंदा है आप प्लीज ऐसी बातें ना करें और कैसी बातें करो सक्सेना जी मैं अकेली कमाने वाली और बाकी सब खाने वाले ऊपर से चाचा जी ने इतना उधार ले रखा है कि मुझे लगता है उनको चुकाते चुकाते ना मेरी तो जान ही निकल जाएगी भाई माँ आप चाहती क्या हैं मैंने विभू को बोल रखा है कि अपने चाचा जी को कहीं और भेज दे और भी तो रिश्तेदार हैं ना उनके लेकिन एक विभू है उनसे कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है डोंट वरी भाई माँ जस्ट डोंट वरी मैं अभी दादा डेविड को घर से बाहर फेंकवाता हूँ लंदन का मौसम तो बड़ा कमाल होगा ना अभी तो यार बहुत जबरदस्त मौसम होता है तुझे पता है इन दिनों में ना वहां थोड़ी थोड़ी सी ठंड होती है कभी कभी बारिश हो जाती है सूरज जो है कभी छुपता है कभी निकलता है भाई भाई। आपको लंदन का मौसम बड़ा पसंद है ना चाच बहुत ज्यादा तो चले क्यों नहीं जाते वहां पे चलते हैं ना वहां पे लंदन में विल हैव गुड टाइम यू नो तू और बहू जा यार मैं नहीं जाने वाला अबे ओ बुड्ढे तो इतनी देर से ये आदमी तुझे हिंट दे रहा है कि इस घर से कट ले कट ले कट ले इतनी छोटी सी बात तेरे भेजे में घुस नहीं रही है क्या हैं विभूति भैया तो उससे साफ-साफ ये कहना चाह रहे हैं कि तूने इस घर में आतंक मचा रखा है जम के आयी करता है तू समझा और एक अकेली भाभी है कमाने वाली और खाने वाले दो हैं। इसलिए बुड्ढे जल्दी से अपना जुगाड़ कहीं और कर ले भाभी माँ तेरे इस नल्ले भतीजे को भी घर से लात मार के निकाल देंगी तेरे चक्कर में ये नल्ला भतीजा भी बेघर हो जाएगा समझा इसलिए जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा बे सुन रहा है नहीं रही समेट का बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे चाचे से बात करने की मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा गेट लॉस मैं आप आई लाइक इट कैसे कर सकता हूं आपके साथ आई लव यू यू टू चार्ज मेरे पास एक आइडिया है चार्ज अनुराज चूचपड़ भी नहीं करेगी और आप बैठ के आप आराम से चैन की बंसी बजाएंगे ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री